हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं कक्षा एक में गणित पढ़ाऊंगी। गणित पहाड़ा। बच्चों, पहले हम लोग पहाड़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम दोहरा रहे हैं उसको। देखिए आप लोग, दो एक दो, दो दूना चार, दो त्याई छः, दो चौके आठ, दो पाँच दस, दो छः बारह, दो सात चौदह, दो आठ सोलह, दो नौ अठारह, दो दहावे बीस, तीन एकम तीन, तीन दूना छः, तीन त्रिके नौ, तीन चौके बारह, तीन पाँच पंद्रह, तीन छः अठारह, तीन सात इक्कीस, तीन आठ चौबीस, तीन नौ सत्ताईस, तीन दहा में तीस, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार त्याई बारह, चार चौके सोलह, चार पचे बीस, चार छः चौबीस, चार सते अट्ठाईस, चार आठ बत्तीस, चार नौ छत्तीस, चार दहा में चालीस, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच त्याई पंद्रह, पाँच चौके बीस, पचह पच्चीस, पाँच छः तीस, पाँच सात पैंतीस, पचह अठे चालीस, पाँच नवा पैंतालीस, पाँच दहा में पचास। तो प्यारे बच्चों, इस पहाड़ा को आप लोग याद करिए, तभी उससे सवाल आप हल कर पाएंगे। तो पहाड़ा के माध्यम से गुणा करना हम सीखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, जब पहाड़ा याद रहेगा बच्चों, तभी आपको ये सवाल हल कर पाएंगे। जैसे दो गुणे तीन, तो इसमें हम किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, ये संख्या आएगी। तो हम जो है तीन का पहाड़ा दो में कितना बार पढ़ेंगे, दो बार। तो तीन एकम तीन, तीन दूना छः। अगर इसका तीन याद है, दो का पहाड़ा याद है, तो तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो दो एकम दो, दो दूना चार, दो त्याई छः। तो इस तरह आपको ये सवाल हल हो जाएगा। तो सबसे अच्छा माध्यम है आपको कि पहाड़ा याद करो। तो बच्चों, हम लोग गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है दो गुणे तीन बराबर छः। तो यहाँ पर आपको तीन का पहाड़ा दो बार पढ़ना है तो छः मिलेगा, और दो का पहाड़ा तीन में पढ़ेंगे तब भी छः ही आएगा। जैसे दो का तीन का पहाड़ा हम पढ़ेंगे दो में, तो तीन एकम तीन, तीन दूना छः, और दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तीन में तीन बार, तो दो एकम दो, दो दूना चार, दो त्याई छः। इस तरह यह गुणा होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं नौ गुणे दो, या नौ का पहाड़ा दो, नौ का पहाड़ा दो बार पढ़ना है, और दो का पहाड़ा नौ में नौ बार पढ़ना है तो अठारह मिलेगा। इस तरह यह सवाल आपको हल करना है पहाड़ा के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको यह होमवर्क भी करना है पहाड़ा के द्वारा। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे गणित गुणा। चित्र में कितनी कुर्सियां हैं, प्रत्येक कुर्सी में कितनी टांगे हैं, तीनों कुर्सियों में कुल कितनी टांगे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर चित्र द्वारा तीन कुर्सी और चार पैर, तो चार का पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे तो तब भी बारह आएगा, और तीन का पहाड़ा चार में पढ़ेंगे तब भी बारह आएगा। तो इसको जोड़ के द्वारा हम देखेंगे बच्चों कुर्सी की कितनी टांगे हैं। तो पहली कुर्सी में चार, फिर दूसरी में चार, और तीसरी कुर्सी में भी चार, तो तीन बार हुआ। तो हम इसको गुणा करेंगे तो बारह आएगा। अब यहाँ तो चार धन चार धन चार बराबर तीन बार चार आया, तो तीन गुणे चार बराबर बारह हो जाएगा। तो इस तरह यह सवाल हल हो गया। अब सितारा देखिए, यहाँ पर कितना सितारा है, एक दो तीन चार पाँच, पांच सितारा यहाँ है धन, फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच सितारा यहाँ है धन, एक दो तीन चार पाँच,
पांच सितारा यहाँ है, धन हो गया है। एक दो तीन चार पांच, पांच सितारा यहाँ है। तो प्यारे बच्चों इसको हम जोड़ेंगे तो पाँच पंदस पंते पंद्रह पंचौके बीस, तो सितारा कितना हो गया बीस। तो यह जोड़ के द्वारा पाँच धन पाँच धन पाँच धन पाँच बराबर गुड़े चार गुड़े पाँच बराबर बीस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए त्रिभुज बना हुआ है, तो चार यहाँ है, चार फिर यहाँ चार, यहाँ चार, तो ये चार और चार और चार मिलाएंगे तो कितना होगा चार चार आठ चरते बारह। यह सितारा के तरह जो आकृति बना है वो बारह होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चार धन चार धन चार धन बराबर बारह, चार गुड़े चार, चार गुड़े तीन बराबर आप देख लीजिए समझ लीजिए चार चार चार। तो इसको लिखेंगे चार गुड़े तीन बराबर बारह हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर गोल आकृति है तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ छः हो जाएगा। फिर यहाँ भी गोला छः है, यहाँ भी छः है और यहाँ भी छः है, यहाँ भी छः है, तो छः छः एकम छः, छः दुनी बारह, छत्रिक अठारह, छः चौकी चौबीस, छः पाँच तीस, मैंने छः 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 जोड़ने पर यहाँ पर आपका आएगा छः गुड़े पाँच बराबर हो जाएगा तीस। तो इस तरह जोड़ के द्वारा आपका गुणा सवाल हल होगा। तो इस तरह यहाँ रिक्त स्थान भरिए दिखा है, लिखा है चार गुड़े पाँच, तो इसको हमको जोड़ के द्वारा करना है। तो आप देख सकते हैं चार गुड़े पाँच बराबर पाँच धन पाँच धन पाँच धन पाँच, तो इस तरह इसको विस्तृत रूप में लिखना है। तीन गुड़े तीन बराबर तीन धन तीन धन तीन, सात गुड़े दो बराबर दो धन दो धन दो धन दो धन दो धन दो धन दो, तो इस तरह से जोड़ के द्वारा गुणा लिखा गया है। तो दो साते चौदह हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे दो को तो दो 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 दूना चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, दो पाँच दस, दो छः बारह, दो साते चौदह, तो दो गुणे सात ऐसे लिखेंगे। इस तरह इसको विस्तृत रूप में किया गया है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह आप भी हल करिएगा और इसी तरह यह रिक्त स्थान भरिए, ये भी गुणे के माध्यम से इसको पहाड़ा पढ़ के करना है। तो प्यारे बच्चों इसको होमवर्क में आप काम कर लीजिएगा। थैंक यू।